Hi guys, welcome back to our channel. Myself Nimisha and ये video उन सारे लोगों के लिए है जिनने मुझे ये कहा था यार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर हमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जैसा कोर्स परस्यू करना है. Hi guys, welcome to our channel. In this channel, all we talk about is information related to abroad studies. Courses, universities, fee structure and lot more information. Just to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. तो कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेजेस हैं जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं फॉर दिस कोर्स? अगर आप मास्टर्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो मैंने काफी रिसर्च किया एंड टॉप 5 कॉलेजेस की अगर हम बात करें, वहां की यूनिवर्सिटीज जो हैं जो ये कोर्स ऑफर करती है, आप ऑप्ट कर सकते हैं. मैं 5 यूनिवर्सिटी का नाम लेने वाली हूँ. अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप वहां पर जा सकते हैं. एंड जो इन्फॉर्मेशन मैं उस कॉलेज से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लाई हूँ वो है कि यार एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन से बेसिस पे आपको वहां पर एडमिशन मिलने वाला है, क्या वहां का फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर की हम बात करने वाले हैं, एंड क्या वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. स्कॉलरशिप अगर आप चाहते हैं जानना कि यार उस यूनिवर्सिटी में हम स्कॉलरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं, अकोमोडेशन भी जरूर सर्च कर रहे होंगे ऑन कैंपस. अगर आप अकोमोडेशन चाह रहे हैं, नहीं चाहते आप दूर रहना, इनिशियली जाते हैं तो काफी लोग ऑन कैंपस अकोमोडेशन प्रेफर करते हैं, आप भी अगर उनमें से एक है तो मैं आपको बता दूंगी कि इन 5 यूनिवर्सिटीज में आपको अकोमोडेशन मिलने वाला है कि नहीं आपको. एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको अकोमोडेशन का खर्चा कितने होने वाला है उसके बारे में हम बात करें, तो आप हमसे जान सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाएं. Now, without wasting any time, let's get started and the first university की हम बात करते हैं जहाँ से आप tourism and hospitality जैसा course कर सकते हैं for pursuing your master's degree course. Now, number one university की अगर हम बात करें तो वो है the University of Queensland जो Brisbane में है. अगर आप चाहते हैं master's of tourism, hotel management या event management जैसा course करना, तो आप ज़रूर ही कर सकते हैं. जो आपकी फ़ीस होने वाली है वो आपकी 33 लाख से चालू होने वाली है, पर ईयर की फ़ीस आपकी 33 लाख हो जाएगी. वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कुछ एग्जामिनेशन जो आपको देने पड़ते हैं, सबको पता है जैसे कि IELTS, TOEFL, PT, कुछ कॉमन एग्जामिनेशंस हैं जो आपको देने पड़ते हैं, इसके बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो डिफर करता है और इसी पे बेस करता है. वहीं अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करें तो TOEFL में एटलीस्ट आपका 87 स्कोर तो होना ही चाहिए, IELTS में 6.5 एंड PT में 64. अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप तो नहीं लेकिन अकोमोडेशन जरूर मिल जाएगा. ऑन कैंपस अकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में तो आपको मिल जाएगा. एंड द प्लस पॉइंट ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सो कोई इशू नहीं होने वाला है, आपको इजीली आपको सीट्स भी मिल जाती हैं काफी. नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया. सो टाउन्सविले सिटी में ये जो लोकेटेड है ये वाली यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के, जो भी लोग करना चाहते हैं मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कोर्स अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप जरूर कर सकते हैं. फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 21 लाख से आपका पर ईयर की फीस आपको पड़ सकती है. एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो TOEFL, IELTS, PT जैसे एग्जामिनेशन आपको देने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे TOEFL का स्कोर आपका एटलीस्ट 90 होना चाहिए, IELTS का 6.5 एंड PT का 64. स्कॉलरशिप चाहते हैं तो जरूर मिल जाएगी आपको यहाँ पे, बस आपको सीख करनी पड़ेगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में. और अगर अकोमोडेशन भी चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है एंड ये भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है. अगली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें जिसका नाम है सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, लिस्मोर में है. यहाँ पे भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आपको अकोमोडेशन अगर आप सर्च कर रहे हैं तो जरूर ही मिल जाएगा. TOEFL, IELTS एंड PT जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पर यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है. TOEFL का जो आपका स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 79, IELTS का 6.5, PT का 58 होना चाहिए. सो वहीं अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पर ईयर की जो आपकी फीस जाने वाली है वो 13 लाख के अराउंड होगी. नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सिडनी की यूनिवर्सिटी, काफी पॉपुलर जगह है जहाँ पे जाकर आप घूम भी सकते हैं एंड मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट जैसा कोर्स भी कर सकते हैं. तो टूरिज्म की भी पढ़ाई हो जाएगी, हॉस्पिटैलिटी की भी पढ़ाई हो जाएगी एंड आपको घूमने के लिए भी काफी जगह वहाँ पे मिल जाएगी. सो जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो है ब्लू माउंटेन्स इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट स्कूल. यहाँ पे अगर आप अकोमोडेशन या फिर स्कॉलरशिप सर्च करें तो वो आपको तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन फीस की बात करें तो काफी अफोर्डेबल पर ईयर की फीस आपकी जाने वाली है फॉर दिस कोर्स, जो है 14.3 लाख पर ईयर की हम बात कर रहे हैं. एलिजिबिलिटी का भी सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है चेक करने का, वो है IELTS जैसे एग्जामिनेशन के स्कोर बोर्ड पे आपको यहाँ पर इंटरव्यू होता है एंड देन आपको एडमिशन मिलता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे जाकर आप ये कोर्स कर सकते हैं जिसका नाम है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म. सो मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जैसा कोर्स अगर आपको करना है तो ब्रिस्बेन की जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जेम्स कुक यूनिवर्सिटी काफी फेमस है इस कोर्स के लिए. काफी अदर कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे इस यूनिवर्सिटी में. अगर आप चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेना तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएं.
नेक्स्ट, अगर इस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी की बात करें तो TOEFL IELTS PT तीनों एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी चेक की जाती है। TOEFL की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 90 जो आपका स्कोर होना चाहिए IELTS पे, वहीं 6.5 स्कोर बोर्ड के बेसिस पे आपको जजमेंट होती है कि आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। PT की बात करें तो 64% एटलीस्ट आपके होने चाहिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी ये भी है, स्कॉलरशिप भी चाह रहे हैं तो वो भी मिल जाएगी, बट जो फीस है वो 14.8 लाख होने वाली है। इसमें भी अगर आप स्कॉलरशिप से कम करवाना चाहते हैं तो दैट इज़ पॉसिबल, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। बस आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है, वहाँ पर जो हमारे काउंसलर्स हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पर्सनली गाइड कर देंगे, या तो फिर आप चाहते हैं अगर हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में आपको इन्फॉर्म करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम जरूर ही उस पर बनाएंगे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस वाज मी निमिष जाने साइनिंग ऑफ। क्या आप अब्रॉड स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए हैं इस चैनल में। सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब अवर चैनल टुडे।